क्या आपने कभी किसी ऐसे ब्रिज को पार किया है जहां से आपको यमपुरी का रास्ता ज्यादा नजर आ रहा हो? तो ऐसे ब्रिज के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर किसी नदी नाले समुद्र या खाई को पार करना हो तो हमारे दिमाग में एक ही स्ट्रक्चर उभरता है, ब्रिज। जब बात ब्रिज की हो रही है तो सबसे पहले एक ही बात दिमाग में आती है कि ये ब्रिज मजबूत कितना है, क्योंकि ब्रिज की मजबूती के अकॉर्डिंग ही हम में उसे पार करने का कॉन्फिडेंस आता है। कुछ ब्रिज बड़े मजबूत होते हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के काम आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ब्रिज भी मौजूद हैं जो लोगों के आने जाने के लिए इस्तेमाल तो होते हैं मगर उनकी मजबूती हमेशा डगमगाती रहती है। उन्हें पार करने वाला व्यक्ति इसी ख्याल में डूबा रहता है कि कहीं ये ब्रिज टूट ना जाए। अक्सर इस तरह के ब्रिज बहुत पुराने और कमजोर होते हैं। कमजोर चीजों से बने ये ब्रिज अथॉरिटी के इग्नोरेंस का भी शिकार होते हैं। इस तरह के ब्रिज लकड़ी रस्सी जैसी चीजों से बने होते हैं। इसके अलावा कुछ ब्रिज ऐसे होते हैं जो केवल एडवेंचर के लिए बनाए गए हैं, यानी उनको अगर आप देखेंगे तो उन्हें पार करते समय उनकी स्टेबिलिटी से आप श्योर होंगे, लेकिन फिर भी आपका कॉन्फिडेंस जीरो होगा। तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रिज। तो आइए चलते हैं ऐसे पुलों पर जिन्हें देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 1, एसीमा ओहाशी ब्रिज, चाइना। चीन में 1978 से 1988 तक पूरे 10 साल के लंबे समय अंतराल में ये ब्रिज तैयार हुआ था, जो अपनी सीधी चढ़ाई की वजह से बड़ा खतरनाक नजर आता है। इस ब्रिज की लंबाई 1300 मीटर और ऊंचाई 200 मीटर है। यूं तो इस ब्रिज की मजबूती पर इससे गुजरने वाले लोगों को कोई संदेह नहीं होगा, लेकिन अगर लोगों ने ब्रिज पर सावधानी नहीं बरती तो जान का खतरा बराबर बना रहता है। नंबर 2, एआई कम्युनिटो डेल रे, स्पेन। 1901 से 1905 के बीच स्पेन में इस ब्रिज का निर्माण किया गया था, यानी आज के समय से ये ब्रिज 100 से भी ज्यादा साल पुराना है। जमीन से 350 मीटर ऊंचाई पर बना ये ब्रिज एडवेंचर के शौकीनों के लिए तो स्वर्ग की तरह है, मगर बाकी लोगों के लिए साक्षात यमपुरी का द्वार, क्योंकि 1999 में 4 लोगों ने यहां अपनी जान गंवाई थी। इसके बाद इस ब्रिज को बंद कर दिया गया था। 2015 में इस ब्रिज को रिपेयर करके दोबारा चालू किया गया। आपको यकीन नहीं होगा मगर हर साल हजारों लोग यहां आते हैं और एडवेंचर का मजा लेते हैं। नंबर 3, हुसैनी हैंगिंग ब्रिज, पाकिस्तान। पुरानी हो चुकी लकड़ियों और रस्सी के सहारे अब तक टिका हुआ ये ब्रिज अपने ऊपर से हर गुजरने वाले को न केवल मौत का एहसास कराता है बल्कि हर पल भगवान को याद करने के लिए मजबूर भी कर देता है। गौर करने लायक बात यह है कि इस ब्रिज से गिरकर तकरीबन 10 लोग भगवान के पास पहुंच भी चुके हैं। नंबर 4, क्रिस्टल व्यू पॉइंट, चाइना। एडवेंचर के शौकीनों के लिए ये जबरदस्त डेस्टिनेशन है। समुद्र तल से अप्रोक्स 768 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये ब्रिज पहाड़ की चोटी पर बनाया गया है। पूरे ब्रिज में चलने के लिए ग्लास फोर बना है। इसकी वजह से आप चलते हुए अगर नीचे देखें तो अपने पैरों के नीचे का सारा नजारा आपको नजर आएगा। ऐसा लगेगा जैसे आपके पैरों के ठीक नीचे जमीन ही नहीं है। ये ब्रिज कुछ लोगों के भीतर के फियर को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाता है और कुछ लोगों के एडवेंचर्स विश को टॉप पर पहुंचा देता है। नंबर 5, राइटिंग रिवर ब्रिज, साइबेरिया। जमीन से 15 फुट की ऊंचाई पर बना ये ब्रिज लकड़ी की पट्टियों का बना हुआ है। इस पर चलने लायक रास्ता है, लेकिन किसी फोर व्हीलर गाड़ी के लिए रास्ता बहुत सकरा है। ब्रिज की लकड़ी पुरानी और कमजोर हो गई है जो इस ब्रिज को बहुत ही खतरनाक बना देती है। ऐसे ब्रिजों पर चलना लोगों की मजबूरी तो हो सकती है लेकिन एडवेंचर कतई नहीं। आपका इस तरह के पुलों के बारे में क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नंबर 6, ब्रिचेंट वॉन्ट ब्रिज। एडवेंचर के शौकीनों के लिए ऑस्ट्रेलिया में एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है ब्रिचेंट वॉन्ट ब्रिज। जमीन से 1176 मीटर की ऊंचाई पर बना है। इस ब्रिज पर आप केवल एक सेफ्टी बेल्ट के सहारे चलते हैं। इस ब्रिज को देखकर अगर आपके भीतर के एडवेंचर का खिलाड़ी कुछ फील कर रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक तो करा दो यार। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसका दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।